उधम सिंह नगर में धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर और बिचौलियों से बचने के लिए खंड विकास सभागार में प्रशासन, किसानों और राइस मिलरों की बैठक हुई। बैठक में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, निर्देशन में तहसीलदार पूनम पंत, मंडी समिति अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, मंडी सचिव और विपणन अधिकारियों, राइस मिलरों और भारतीय किसान यूनियन पद अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में बताया गया कि 1 अक्टूबर से धान केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। साथ ही किसानों की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जसपुर में 20 धान खरीद कॉल सेंटर खोले जाएंगे और किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे में किए जाने की भी बात कही गई। उधम सिंह नगर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तैयार हो गया है धान खरीद के लिए। ये आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें किसान, राइस मिलर और अधिकारी थे, सभी जो सहकारी समितियों के अन्य अन्य खाद्य विभाग के सभी अधिकारी थे। तो इसमें ये 20 सेंटर लगेंगे हमारे जो जसपुर क्षेत्र में, और कच्चे आड़तियों की मार्फत 30 राइस मिलों का रजिस्ट्रेशन हो गया और होएगा तो 500 क्विंटल। पिछले साल जो रेट था उसमें 100 रुपये का एमएसपी सरकार ने की बढ़ोतरी की है। जो धान कॉमन से बारीक धान कहा जाता है वो 2040 का रेट है और जो बारीक चावल उसका 2060 का रेट सरकार ने रखा। मानक के अनुसार खरीदेंगे, हर काश्तकार को कोऑपरेट करना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे और 72 घंटे के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है उसके तहत हम उनको पेमेंट करें।